फ्रेंड्स, दीप मोहित किचन में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सरसों का साग बनाना बताया था, अब मैं आपको मक्के की रोटी बनाना सिखाऊंगी। मक्के की रोटी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मक्के का आटा लेना है, जो भी आपको जितनी आपकी क्वांटिटी हो उस हिसाब से, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर एंड थोड़ा सा बटर जो हम मक्के की रोटी बनाने के बाद उसमें लगाएंगे, और थोड़ा सा वार्म वाटर। मक्के की रोटी बनाने के लिए हम वार्म वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वार्म वाटर से ही मक्के की रोटी स्मूथ आती है, टूटती नहीं है। सबसे पहले हम मक्के के आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे, ग्रीन कोरिएंडर, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मक्के के वार्म वाटर को डालेंगे। हम मक्के के आटे में धीरे धीरे वार्म वाटर मिलाते रहेंगे। मक्के के आटे का डो बनाने के लिए हमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म पानी से ही मक्के के आटे की रोटी बहुत ही स्मूथ आती है। और इसको हमें थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ताकि इनके मक्के की जो रोटी है, आटा जो है, डो बहुत अच्छी तरीके से बने। अब मक्के का डो थोड़ा थोड़ा गूंदना स्टार्ट हो गया है, इसको हमें अच्छी तरीके से एक सार कर लेना है, और पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ताकि पानी ज़्यादा भी ना हो और हमारा आटा बहुत स्मूथ तैयार हो जाए। मक्के का आटा अब एक सार होने लगा है। इसका एक तरीका होता है, जो आपको स्मूथ रोटी बनाने के लिए हथेली के पाम साइड से ही इसको बहुत सारा मलना पड़ता है, इसी से रोटियां बहुत स्मूथ आती हैं, वरना इसकी रोटी आपकी टूट जाएगी। और मक्के की रोटी थोड़ी सी हल्की सी मोटी बनती है, तभी इसमें स्वाद होता है। पंजाबियों का तो फेवरेट खाना है मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, और साथ में गुड़ हो तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए, अब हमारा आटा लगभग तैयार ही हो रहा है। जितना आप इस आटे को जितना स्मूथ कर सकते हैं उतना कर लीजिए, ताकि जिससे आपकी रोटियां बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। अब हमारा डो तैयार हो गया। अब हमारा मक्के का आटा तैयार हो गया है। थोड़ी सी लोई मोटी ही बनती है, क्योंकि मक्के की रोटी थोड़ी मोटी होती है तभी अच्छी लगती है। इसको आप जितना स्मूथ कर सकते हैं उतना कर लीजिए, ताकि रोटियां बहुत अच्छी बने आपकी। अब हम लोगों ने लोइयां तैयार कर ली हैं, थोड़ा सा हाथ में पानी लगाना है। अब हम थोड़ी सी बेलन की सहायता से इसे बेल लीजिए। हमने तवा चढ़ा दिया है, अब हमने रोटी बेल ली है। अब हम इसे तवे पे डालेंगे और इसको धीरे धीरे एक तरफ पकने का इंतजार करेंगे। एक तरफ से पक गई होगी, इसको हम पलट देते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी बाकी है। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी की तैयारी करते हैं। इस रोटी को हम लोग पलट देते हैं। अब हमारी रोटी दूसरी तरफ भी पक गई है, अब हम इसको पलट देते हैं और इसको धीरे 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 तवे पे पकाते हैं, ताकि हल्के 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 पके, तभी एक थोड़ी सी अच्छी सॉफ्ट बनेगी। तैयार हो गई है एक तरफ से। अब हमें इसको गैस पे
सेक लेंगे धीरे धीरे, इसको बहुत धीरे धीरे सेकना है। और गैस को भी आप थोड़ी स्लो कर दीजिए। अब आप देखिए हल्के हल्के काले काले स्पॉट्स में पड़ रहे हैं, रोटी हमारी अच्छी अच्छी हो रही है। अब हम लोग रोटी को बेल लेते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हमें रोटी को बेलना है, बहुत धीरे धीरे, इसको बेलना ही एक कला है। रोटी थोड़ी हल्की सी आपकी मोटी रहेगी। अब इसको आपको तवे पे डाल देनी है और धीरे धीरे पकने का इंतज़ार करना है। अब हमारी रोटी एक तरफ से पक गई है, इसे हमें पलट देना है। अब हमारी रोटी एक तरफ से पक गई है, अब हम इसे गैस पे सेक लेंगे धीरे धीरे और धीमी आंच कर देंगे हम। जितना आप धीमे धीमे इसे सेकेंगे उतना ये स्वाद इसका बहुत इन्हेंस हो जाएगा। मक्के की रोटी सरसों के साग के संग ही बहुत ही टेस्टी लगती है। धीरे धीरे आप इसे सीखते रहिए। अब हमारी रोटी तैयार हो गई है, इसे मैं सरसों के साग के संग अच्छे से घी लगा के परोसिए और अपने सब घर वालों को बहुत प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये मक्के की रोटी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ एक थम्स अप मेरे लिए। थैंक यू।